जी मेरा जी मेरा नाम ज्योति है। हमें यहाँ बैठे हुए आज 18 दिन, आज 18वां दिन है, फिर भी आप देख लो सभी आए हुए हैं। हाँ, कुछ हमारे हैं साथी जिनके आज केएस का एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम देने गए हुए हैं। जैसे ही एग्ज़ाम उनका हो जाता है, कल से वापस यहाँ पे आपको डबल इंटेंसिटी में यहाँ पे आपको क्राउड मिलेगी, क्योंकि अभी थोड़े दिन से बच्चे बेचारे बिजी भी थे। हमारी बस यही है कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट जल्दी से जल्दी आउट की जाए, क्योंकि यहाँ पे अब एक के बाद एक रेगुलर बीमार होने शुरू हो गए हुए हैं। घर से पेरेंट्स भी परेशान हैं। अगर कुछ दिनों में ऐसा नहीं होता है तो दिल्ली तो जाना है ही है। यहाँ पे पेरेंट्स भी, रिश्तेदार भी हमारे, हम सारे आके यहाँ बैठ जाएंगे अब, क्योंकि वो भी बहुत परेशान हैं। जिसका बच्चा यहाँ से घर में बीमार होकर घर पहुँचता है, वो पेरेंट्स ही जानते हैं उनका क्या हाल है। इसलिए LG एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप तक हमारी बातें, हमारी रिक्वेस्ट, सब कुछ, हमारी यहाँ पे हालात, जिन हालातों में हमने 18 दिन बिताए हैं यहाँ पे, आपको सब कुछ पता चल रहा है, लेकिन फिर भी आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो, हमें जवाब तक नहीं मिल रहा है, तो ये अनएक्सेप्टेबल है। मेरा नाम सुरिंदर सिंह है सर। आज हमें यहाँ पर 18 दिन हो गए हैं। हम सिर्फ सिंपल यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट से एक एश्योरेंस चाहते हैं कि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने हार्डवर्क करके ये पेपर एग्ज़ाम को क्रैक किया, उनके साथ कोई गलती नहीं किया जाएगा। इन केस अगर कोई आपको कुछ इरेगुलरिटीज़ दिखती हैं तो उनको प्लीज़ आप फिल्टर आउट करें। जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, जो हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, वो इसमें सफ़र ना करें। और अगर LG एडमिनिस्ट्रेशन हमारी ये बात नहीं सुनती है तो आने वाले दिनों में दिल्ली जाने के लिए भी रेडी हैं। विद फैमिलीज हम दिल्ली जाएंगे, और हम जो J&K यूथ के साथ यहाँ पर गलत हो रहा है, उसके रिगार्डिंग हम अपने बात दिल्ली पार्लियामेंट तक पहुँचाएंगे।